काफी सारी न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि थगेस का वीडियो डिलीट हो चुका है सेल्फ हार्म पॉलिसी के अंदर। उन्होंने एक स्केट टाइप का कुछ वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो वापस आ चुका है दोस्तों और उस पर थगेस का रिएक्शन भी आया है, आप देख लीजिए। सो वेल गाइस, वीडियो वापस आ गई है, गुड न्यूज, बट साथ में यूट्यूब का मेल आया है। YouTube was actually concerned कि मैं एक्चुअल में सुसाइड ना कर लूँ, इसके लिए YouTube ने ये मेल डाला। देवर लाइक, अगर कभी आपको ऐसे थॉट्स आए तो टॉक टू समवन। भाई वो लोग ने नंबर भी दी। नहीं भाई, नहीं कर रहा हूँ सुसाइड। यहाँ पर वीडियो डिलीट और वीडियो बैक की बात हो ही रही है, तो ट्रिगर्ड इंसान का भी एक वीडियो डिलीट हो गया था और वापस आ गया, आप देख सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है दोस्तों अमन धतरवाल के बारे में। अमन धतरवाल अपने वीडियो के अंदर वो एक अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन अगस्त के अंदर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो कुछ 5-7 दिन और बचे हैं, 2 अगस्त की बात है। तो उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए इसी से संबंधित, वो आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लीजिए। एवरीवन, अब करोड़ों रुपए की फैकल्टी यार इंडिया के हर एक बच्चे को पढ़ा रही होंगी, मात्र 7 से 8 दिन बच गए हैं और जेई और नीट के कोर्सेज आ रहे होंगे। ऐसी फैकल्टी यार जिन्होंने रैंक 1 निकाली है, पता नहीं 5-5 बार, अंडर 10 रैंक निकाली है, अंडर 100 रैंक निकाली है, जो टॉप इंस्टीट्यूट में HODs रह चुके हैं उन्हें यार हमने साथ में लेकर आए हैं। 70 फैकल्टी ऑलरेडी हो चुकी थी, अभी भी हर दिन जाके हम यार 70 से ऊपर लेके जा रहे हैं उस नंबर को, कि हमारे पास और फैकल्टीज हों जिससे कि हम इंडिया में हर बच्चे तक पहुंच पाए, ये दे पाए सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में। ये भी हमारा साथ में मोटो है जिससे कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर पाए इन इतनी एक्सपेंसिव फैकल्टीज को। तो काफी यार भाग दौड़ मेहनत चल रही है, हर एक बच्चा यार रैंक 1 नहीं निकाल सकता, पर मेरा ये मानना है कि यार अगर उसे बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, सही गाइडेंस मिलती है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट में आपके बिट्स हो गए, IIITs और टॉप इंस्टीट्यूट हो गए, उनके अंदर उसे एडमिशन मिल रहा हो जहां से कल को वो एक अच्छी प्लेसमेंट निकाल सके। तो तब तक अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है कोमन राज के बारे में, जो कि एक शेयर न्यूज है दोस्तों। वो उनको उनका हो गया है दोस्तों एक्सीडेंट है। वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे थोड़ी देर के लिए और मैं लाइव ज्वाइन भी किया था, और वो यही कह रहे थे कि आप मुझे प्रे कीजिए और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और यूट्यूब है वो भी थोड़े दिन के लिए छूट ही जाएगा, 1 मंथ के लिए तो उनका छूट ही जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और वैसे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दे वापस से। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंजीनियर रिवल्स और ज्ञानी 2.0 के बारे में। यहाँ पर ज्ञानी 2.0 है वो, यहाँ पर अलविश यादव वर्सेस ध्रुव राठी वाली कंट्रोवर्सी थी, उसके अंदर ओपिनियन दे रहे थे और यहाँ पर उन्होंने प्रूफ रिवील किए थे इंजीनियर रिवील्स ने, यानी कि प्रूफ दिखाए थे कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मास रिपोर्टिंग हुई है। यदि आप उसे पूरी तरह समझना चाहते हैं, इंजीनियर रिवील्स का ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ज्ञानी 2.0 ने यही कहा था कि कहीं पर प्रूफ नहीं है तो ऐसे हम कैसे मान सकते हैं। तो उन्होंने यदि प्रूफ दिखाए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई सॉलिड सोर्स नहीं है ये कोई प्रूफ का। तो उन्हीं को रिप्लाई करते हुए इंजीनियर रिवील्स ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, वो शॉर्ट वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ और आप ज्ञानी 2.0 का ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको दोनों की कंट्रोवर्सी समझ में आ जाएगी। तो मैं इंजीनियर रिव्यूज का वीडियो आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो ज्ञानी एक है अभिषेक के लिए। भाई तुम जो अपने वीडियोस में बोलते हो ना कि तुम अपना ओपिनियन देते हो, ऐसा नहीं है, तुम ओपिनियन देते नहीं हो, तुम ओपिनियन थोपते हो, दोनों तरफ की चीजों को देखते हो और उसके बाद हल्का सा लेफ्ट की तरफ लीन होते हुए अपना ओपिनियन थोप देते हो। तो अपनी हिपोक्रेसी बंद कर दो और एक्सेप्ट करो भाई कि तुम लेफ्टिस्ट हो। और मेरे पास है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे मैं बता सकता हूँ कि तुम लेफ्टिस्ट हो, और थियरीज नहीं है जैसे तुम बोलते हो, हर चीज़ को तुम थ्योरी प्रूफ कर देते हो, तो थियरीज नहीं है, मेरे पास फैक्ट है। और हाँ, मैं वीडियोस में कभी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ही हुआ है, मैंने सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट किए और लोगों से उनका ओपिनियन पूछा। तो वीडियो को पूरा देखा करो भाई, अपना लेफ्टिस्ट दिमाग से लेफ्टिस्ट की तरह मत सोचा करो। और हाँ, थोड़ा ध्रुव राठी के एस्टेरॉइड्स वाले वीडियो के ऊपर भी बात कर लेना। अगली न्यूज है दोस्तों अलविश यादव के बारे में। अलविश यादव के मेन चैनल पर, यानी अलविश यादव नाम से जो चैनल है उसके ऊपर है, वो काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आया है, तो उसी का अपडेट शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जो जो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मेन चैनल पर वीडियो कब आएगा। तो जो जो भाई पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो कब आएगी, देख लो भाई एडिटिंग चल रही है और ये आ जाएगी अपनी 1-2 दिन में आ जाएगी, मेन चैनल पर आ रही वीडियो, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो, हर बार कहता हूँ बट ये वाली और बढ़िया, ठीक है। यही कुछ अपडेट थे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।